हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हमारे पास टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया अनवेटेड मेथड, जिसको सिंपल मेथड बोलेंगे, और एक हो गया वेटेड मेथड, जिसमें हम क्वांटिटी लेकर चलते हैं इंडेक्स नंबर बनाने के लिए। पर उससे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इज अ मेजर ऑफ चेंज, ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ चेंज। चेंज किस में? ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। चेंज है, मेजर ऑफ चेंज है, कोई ऐसी नंबर है, कोई ऐसी मेजर है जो चेंज दिखाती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस। दीज टू डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफी और अदर करेक्टरिस्टिक। अदर करेक्टरिस्टिक में भी टू डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन्स, राइट। तो इस तरह से दो डिफरेंट सिचुएशंस में कुछ रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या चेंजेस हैं वो दिखाता है आपका इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, आपने हैप्पीनेस इंडेक्स सुना होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स है फॉर एग्जांपल। तो हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने के लिए आपने बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो किए होंगे कि ये चीज है, ये चीज है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, उनको हम वेरिएबल्स बोल देंगे, रिलेटेड वेरिएबल्स, और फिर उनको मेजर करेंगे टू डिफरेंट सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, वहाँ पे जाकर उनकी अलग अलग जगहों पे या अलग अलग टाइम पीरियड में, 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, तो उसमें देखेंगे कितना चेंजेस है, और उस चेंजेस को जब जो मेजर दिखाएगा उसको बोलेंगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये मेजर क्या करती है, ट्रैक करती है मूवमेंट इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आप इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स है, उनके प्राइसेस है, प्राइस इंडेक्स है आपका, तो वो क्या दिखाता है, किस तरह से प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही हैं एवरी ईयर। तो दैट इज योर इंडेक्स नंबर फॉर प्राइस। तो प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इंडेक्स नंबर के थ्रू आप देख सकते हो। तो इसी तरह से सोशियोलॉजी में या अकाउंटिंग में हर जगह इसका यूजेस है। तो इंडेक्स नंबर तो एक नंबर हो गया। अब जब हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स नंबर ऐसे आ जाएंगे, जैसे मान लो इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सारी कंट्रीज के लिए आ गए इंडेक्स, तो इस पूरे सारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को बोलेंगे इंडेक्स सीरीज। उसी तरह से मान लो प्राइसेस है, तो प्राइसेस फॉर 15, 16, 17, 18, 19, तो उनके जो इंडेक्स आ जाएंगे उसको बोलेंगे इंडेक्स सीरीज। तो कलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स फॉर डिफरेंट ईयर्स और लोकेशंस एटसेट्रा इज कॉल्ड इंडेक्स सीरीज। और इंडेक्स नंबर है क्या, इट्स अ मेजर ऑफ चेंज, किसमें, इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, कहाँ, ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस। टू डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ज्योग्राफी, राइट, टाइम और प्लेस। तो इंडेक्स नंबर है क्यों, जरूरी क्यों है ये, बिकॉज दे हेल्प टू मेजर चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद क्या है, मेजर ऑफ चेंज है, तो इंडेक्स नंबर इसलिए जरूरी है। अगर आपने चेंजेस देखने हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है या प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वो चेंजेस देखने के लिए इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कैन पॉलिसी फ्रेम जब वो करते हैं, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर कैन बी द बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में आपने कुछ क्राइटेरियाज यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन सस्टेनेबिलिटी है या कैपेसिटी है या ह्यूमन रिसोर्स का है, तो अलग 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 मान लो आपने क्राइटेरिया बनाए हैं, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और उसके ऊपर आप काम कर सकते हो उन क्राइटेरियाज पे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फ्रेम की जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि उसके किस तरह से इंडेक्स है, किस तरह से चेंजेस हैं। अगर आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर रैंकिंग आप देखेंगे, तो आप देख सकते हो कि आप कैसे अपनी पॉलिसीज को ठीक कर सकते हैं ताकि आपकी रैंकिंग ठीक आ जाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर नॉट ओनली हेल्प इन द स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर, तो ना सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर स्टडी करने में इंडेक्स नंबर हेल्प करते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप समझ सकते हो कि सोसाइटी किस तरह से जा रही है या पास्ट में किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, आज कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो आप पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन आल्सो फोरकास्ट द फ्यूचर, तो फ्यूचर भी वो फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज किस तरह से जाएंगी, फ्यूचर में किस तरह से प्राइसेस रहेंगे।
तो वो भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर ऑल्सो फैसिलिटेट कंपैरिजन। तो जो भी आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं दो डिफरेंट रीजन्स की, इंडिया और चाइना में किस तरह से डिफरेंस है, टूरिज्म कंपिटिटिवनेस किस तरह से है, तो वो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। कंपैरिजन कर सकते हो, टू डिफरेंट फर्म्स का कंपैरिजन कर सकते हो, टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स का कंपैरिजन कर सकते हो कि 2015 कैसा था 2020 कैसा है। तो आप डिफरेंट टाइम पीरियड डिफरेंट ज्योग्राफी में कंपैरिजन करना चाहते हैं वो भी आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से कर सकते हो। तो इंडेक्स नंबर क्या है? बेसिकली इज द मेजर ऑफ चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस दैट हेल्प अस मेजर चेंज, दैट हेल्प गवर्नमेंट क्रिएट पॉलिसीज, दैट हेल्प अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिहेवियर एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स, टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो दैट इज़ वट इंडेक्स नंबर इज। अब आ जाता है बात की इंडेक्स नंबर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है पर्पस। वी शुड नो द पर्पस क्लियरली। तो आपको क्या करना है? पर्पस डिफाइन करना है क्लियरली अनएम्बिगसली, दैट इज देर शुड नॉट बी नो देर शुड बहुत ज़्यादा जो है क्लियर होना चाहिए आपका पर्पस, जो क्लियर टू अंडरस्टैंड हो। तो उसी के बेसिस पे आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर वो नहीं होगा क्लियर देन इट विल बी इम्प्रॉपर एंड मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। तो जो जिस भी पर्पस के लिए आपने इंडेक्स नंबर बनाया है वो आप दिखाइए, और जो भी आपने क्राइटेरिया फॉलो किया है वो उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नहीं तो आप क्या है, जो भी आप इंडेक्स बताएंगे वो मिसलीड करेगा, उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया उसमें रखा है इंडेक्स नंबर बनाने में जो पर्पस के साथ ठीक नहीं बैठ रहा है, और आप उसको इंडेक्स नंबर बोल रहे हो, तो जो समझेगा द पर्सन हु विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स नंबर वो उसको कुछ अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा। इसीलिए जो पर्पस है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और उसी पर्पस के बेसिस पे इंडेक्स नंबर बनाया जाना चाहिए, ताकि वो मिसलीड ना करे, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे, जो भी लोग डेटा देख रहे हैं उसको एनालिसिस गलत ना कर लें, उसको इंटरप्रेट गलत ना कर लें, पॉलिसीज फिर गलत ना फ्रेम हो, इमेज कुछ गलत ना बन जाए। इसलिए पर्पस का होना इम्पॉर्टेंट है। पर्पस शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। उसके बाद डेटा जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी रिलायबल होना चाहिए। तो डेटा कलेक्शन हमने समझा था कि इट इज़ अबाउट जैसे जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप या तो पूरा के पूरा पॉपुलेशन ले रहे हो, सेंसस डेटा है, या फिर आप सैम्पलिंग कर रहे हो टू कट द कॉस्ट, या पॉसिबल नहीं है सेंसस करना तो आप सैंपल उठा रहे हो। अब जो आपने सैंपल उठाया है दैट शुड एक्चुअली बी अप्रोप्रिएट, वो रिलायबल होना चाहिए इंडेक्स नंबर फॉर्म करने के लिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो भी आप कमोडिटी उठा रहे हो रेलिवेंट होनी चाहिए और सफिशियंटली लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा सैंपल ले लेंगे, सैंपल साइज बड़ा कर लेंगे, तो बहुत सारे एरर्स हैं वो कट हो जाते हैं। तो इसलिए सैंपल जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। जिस भी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो उसी तरह का आप सैंपल उठाइए। फॉर एग्जांपल आप टू बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ का हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करना चाहते हैं, और आपने जो इंडिया का सैंपल लिया है वो किसी स्लम एरिया से ले लिया है, और उसके बेसिस पे आप दिखा रहे हो कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, या उसके बेसिस पे आप दिखा रहे हो कि इंडिया जो है अनहैप्पी नेशन है, तो उसके वो आपका सैंपल में एरर है, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट आएंगे और गलत रिजल्ट आएंगे और वो मिसलीड करेगा। इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ डेटा है वो भी एक एक्सपर्ट की हेल्प से ही उठाया जाता है, और एक एक्सपर्ट जो जानता हो कि विच वन इज़ द गुड सैंपल तो उसी को चूज़ करेगा। उसके अलावा बेस पीरियड भी आपको उसी तरह से चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं जो टाइम वाले इंडेक्स नंबर हैं तो किसी न किसी बेस पीरियड के आधार पर बनाए जाते हैं, जिसके कंपैरिजन में चेंजेस दिखाए जाते हैं कि 2015 अगर बेस ईयर है तो 2016 में इस तरह से इंडेक्स नंबर आएगा 2015 को बेस नंबर लेकर। तो जो बेस नंबर है वो भी आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 वॉज कोविड हिट ईयर, और अगर आप 2020 के कंपेरिजन में दिखाएंगे 2022 या 2021 कैसे परफॉर्म कर रहा है तो वो बेटर ही परफॉर्म करेगा, बिकॉज 2020 वॉज अफेक्टेड बाई कोविड। टूरिज्म के केस में अगर आप देखेंगे तो 2020 इज नॉट द राइट चॉइस फॉर द बेस पीरियड के लिए एक ठीक चॉइस नहीं है, क्योंकि वो कुछ
डिफरेंट था या वो हिट था कोविड की वेव से, तो वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, जो भी आपका बेस पीरियड है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपने इंडेक्स बनाने हैं बाकी जो है ईयर्स के लिए। उसके अलावा चॉइस ऑफ कॉमोडिटी, जस्ट लाइक द चॉइस ऑफ सैंपल, जो भी आप कॉमोडिटीज उठा रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल्स उठा रहे हैं, जो भी आप क्राइटेरिया उठा रहे हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, वो भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए चेंजेस ओवरऑल प्राइसेस के बेसिस में। जो भी आपका पर्पस है इंडेक्स नंबर बनाने का, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी का बना रहे हो, तो सस्टेनेबिलिटी के जो जो क्राइटेरियाज इसमें आपने रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कम्युनिटी के लिए रखा है या आपने किस किस चीज़ के लिए रखा है, तो वो इन्वायरमेंट के लिए रखा है, इकोनॉमी के लिए रखा है, उसके अंदर भी आपने इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं, तो जो भी आप कॉमोडिटी, ये तो हो गया इकोनॉमिक्स के केस में कि कॉमोडिटीज हो गई जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो प्राइस इंडेक्स अब अगर आप बना रहे हो, उसी तरह से और भी चीज़ें हैं उसमें भी आपने जो क्राइटेरिया रखा है, वेरिएबल्स रखे हैं, दे शुड बी अप्रोप्रिएट, और एक्चुअली जजमेंट सैम्पलिंग उसमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग एक टाइप है सैम्पलिंग की। तो जब आप कॉमोडिटी की चॉइस आप ले रहे हो कंपेरिजन करने के लिए, इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या था, मेजर ऑफ चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, तो ये रिलेटेड वेरिएबल्स भी आपने ठीक उठाने हैं जो जजमेंट सैम्पलिंग से होगा, तो वो एक्सपर्ट की हेल्प से लीजिए, जजमेंट सैम्पलिंग की हेल्प से लीजिए कि कौन सी कॉमोडिटी सारी की सारी प्राइस इंडेक्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो रैंडमली नहीं उठाना है, इट शुड बी ऑफ चॉइस, जजमेंट सैम्पलिंग से आप लीजिए। तो वैसे करके ये चार पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहिए जब भी कोई इंडेक्स नंबर बना रहा है। फिर आ जाता है कि इंडेक्स बनाने का तरीका, जो मेथड्स हैं जो हमने किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका जैसे रिलेटिव मेथड है, फिर एग्रीगेटिव है, फिर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है। तो रिलेटिव मेथड जैसे तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिलेशन, तो इन रिलेशन टू द बेस पीरियड आप इंडेक्स नंबर बनाते जाएंगे। तो बेस पीरियड हो गया मान लो इस डेटा के लिए 2005, तो उसके लिए जो इंडेक्स नंबर आएगा वो आएगा 100। तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, दो टाइप के इंडेक्स हो सकते हैं, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स या फिर वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स तो आएगा वेटेड वैल्यू इंडेक्स, इसके लिए वैल्यू हो जाता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो बेसिकली जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है रिलेटिव प्राइस इंडेक्स का, उसमें आ जाएगा बेस पीरियड का जो प्राइस है या क्वांटिटी है या वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी और करंट ईयर का ऊपर आ जाएगा। तो करंट ईयर का आप लिख सकते हो यहाँ पे एन करके, और बेस पीरियड का आप लिख सकते हो जीरो से, रिप्रेजेंट कर सकते हो पी पी जीरो और पी एन से, ठीक है। तो इस तरह से है, उसी तरह से क्वांटिटी है तो क्यू एन ऊपर आ जाएगा, क्यू जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर में क्यू एन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इंडेक्स बनाएंगे। तो इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड उसमें 100 ही होगा, और जो उसके बाद में आएंगे चेंजेस वो उसके रिलेशन में होंगे। जैसे यहाँ पे फॉर द ईयर 2005 हमने बेस पीरियड ले लिया, तो बेस पीरियड के लिए करंट ईयर और बेस ईयर सेम ही रहेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एज पर द फॉर्मूला और 100 आ जाएगा उसका इंडेक्स नंबर। फिर आएगा जनवरी 2010 के लिए जो भी प्राइस दे रखा है उसको न्यूमरेटर में लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए दो ही पॉइंट्स लिए हैं और उसमें भी डेसिमल लगा लिया है, और बेस पीरियड का नीचे आ गया डिनोमिनेटर में और इंटू 100 करके 140 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2010 में 40% का जो है इंक्रीज हो गया प्राइस में। बेस पीरियड के लिए 100 था तो 2010 के लिए 140 हो गया, इसका मतलब हुआ कि 40% का चेंज है। तो 140 इज द मेजर ऑफ चेंज, यानी कि 40% है। तो इसमें हमें 40% लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंडेक्स नंबर अपने में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 40% का चेंजेस हो गया। उसी तरह से फिर हम 2015 के लिए करेंगे, 2015, फॉर 2015 ऑल्सो न्यूमिनेटर में आ जाएगा द करंट ईयर प्राइस विच इज 2847, जिसको 2.8 में कर लिया है इजी कैलकुलेशन के लिए, और डिनोमिनेटर में आ गया 2.5 विच इज द वैल्यू ऑफ बेस पीरियड का प्राइस है, एंड इनटू 100 करेंगे एज पर द फॉर्मूला और हमारे पास 112 आ जाएगा, यानी कि 12% का चेंज है बेस पीरियड से। तो अब हमारे पास ये चार इंडेक्स नंबर आ गए, हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर आ गया, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स सीरीज। तो ये रिलेटिव इंडेक्स है। रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला सिंपल है,
Pn divided by P0 into 100 या Qn divided by Q0 into 100 when we are dealing with the quantity uses, ठीक है, weights का करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे newspaper और television के लिए advertisement के expenditure के लिए index number बनाए गए हैं। 1990 is the base year and 2000 is the current year। तो base year में आ गया 1.3 जो expenditure रहा है और current year में आ गया आपका 2.9। तो इस तरह से करेंगे आप 2.9 अपॉन 1.3 इंटू 100 और आपको मिल जाएगा इंडेक्स नंबर फॉर न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर का इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2000। तो आपको मिल जाएगा, इससे करेंगे जब आप कैलकुलेट तो आपको 223 मिल जाएगा इंडेक्स नंबर। और टेलीविजन के लिए आपका यहाँ पे 167 है, इसी तरह से कंप्यूट किया है। तो सिंपल है, रिलेटिव इंडेक्स, इट शोज रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, ईयर का विद द प्रीवियस ईयर या जो भी बेस ईयर है उससे रिलेटिव इंडेक्स। तो न्यूमिरेटर में आ जाएगा करंट ईयर का प्राइस या क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेस ईयर का। बेस ईयर का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद बेस में जीरो, ठीक है, और करंट का एन लिख के करेंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। तो दिस इज अबाउट रिलेटिव इंडेक्स। फिर आ जाता है आपका सिंपल एग्रीगेटिव अनवेटेड। तो ये है अनवेटेड इंडेक्स नंबर ही है, ये वाला फर्स्ट वाला अनवेटेड जो हमने पहली टाइप पढ़ी थी। अनवेटेड में हम वेट्स नहीं लेते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव अनवेटेड में, जैसे तो वर्ड से ही समझ आ रहा है एग्रीगेटिव है, तो हम इसमें हम एग्रीगेट लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, न्यूज़पेपर के लिए अलग से इंडेक्स बनाया, टेलीविजन के लिए अलग से इंडेक्स बनाया, उसमें हम क्या करेंगे, एग्रीगेट लेंगे, सबका इकट्ठा बनाएंगे। तो इकट्ठा कैसे बनाएंगे, जैसे अलग अलग कॉमोडिटीज का प्राइस इंडेक्स बनाना है, ए बी सी डी, चार हमारे पास अलग अलग कॉमोडिटीज हैं, उनके प्राइस दे रखे हैं 2000 के लिए और 2008 के लिए। तो एग्रीगेटिव में क्या करेंगे, इनका सिंपली इनका भी सम कर देंगे और इनका भी सम कर देंगे, ठीक है, सम ऑफ और बेस ईयर, सम ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर। प्राइस ऑफ करंट ईयर ऊपर आ जाएगा, प्राइस ऑफ बेस ईयर नीचे आ जाएगा, इनटू 100 कर लेंगे। तो इसका सम जैसे 187 है, इसका 200.4 है, तो 200.4 डिवाइड बाय 187 इनटू 100 और ये हमारे पास आ जाएगा इसका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इसकी क्या लिमिटेशन है, अब देखो आप सी की सी जो कॉमोडिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, और ए और बी की कम वैल्यूज है, तो ये अफेक्ट करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये अफेक्ट करता है। तो इट इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स नंबर, जो बहुत ज्यादा वेट वाली, बहुत ज्यादा प्राइस वाली कॉमोडिटीज होंगी उससे जो है अफेक्ट करेगा ओवरऑल इंडेक्स नंबर। तो ये है, उसका बेयरिंग ज्यादा होगा ऑन द इंडेक्स नंबर। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है सिंपल एग्रीगेटिव अनवेटेड इंडेक्स नंबर की। इस लिमिटेशन को कम करने के लिए हमारे पास नया एक इंडेक्स नंबर है, दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो इसमें क्या करेंगे कि सम नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे। रिलेटिव इंडेक्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, बेस ईयर को नीचे लिखेंगे, बेस ईयर का प्राइस आएगा नीचे और करंट ईयर का प्राइस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ए के लिए करंट ईयर का प्राइस है 3.8, बेस ईयर का प्राइस है 3.2, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में और ये आ गया न्यूमिरेटर में, और इसको इनटू 100 करेंगे और ये आ गया आपका रिलेटिव इंडेक्स नंबर। उसी तरह से बी कॉमोडिटी के लिए भी निकालेंगे रिलेटिव इंडेक्स नंबर, सी के लिए भी निकालेंगे और डी के लिए भी निकालेंगे, सबके लिए निकालेंगे। अब जितने भी आपके पास रिलेटिव इंडेक्स नंबर आ गए, एक इंडेक्स सीरीज आ गई, इसको हम सम कर लेंगे डिवाइड बाय नंबर कितने हैं वो टोटल, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज, कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कितने थे, चार इंडेक्स नंबर थे, और इन चार इंडेक्स का सम जो है वो न्यूमिरेटर में आ जाएगा, जिसका है 476 टोटल डिवाइड बाय 4 और आंसर आ जाएगा 119, दैट इज योर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो इसकी जो लिमिटेशन थी कि किसी एक को हमने ज़्यादा वैल्यू दे दी, वो यहाँ कम हो गई, क्योंकि आपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल का अपना अपना इंडेक्स नंबर निकाला है। तो 148.49 यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू थी कंपैरेटिवली ए और बी और डी से, पर इसका इंडेक्स नंबर आप देख सकते हो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वी डू सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो सिंपल एवरेज करेंगे ऑफ रिलेटिव इंडेक्स की।
तो ये तीसरा मेथड है, हमने कर लिए तीन अनवेटेड मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। रिलेटिव में क्या है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर, पी एन डिवाइड बाय पी जीरो इंटू 100, और इस तरह से आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो बेस ईयर के लिए कितना इंडेक्स आता था, 100 इंडेक्स आता था, और उसके बाद अगले के लिए वैसे ही बढ़ता या कम होता था। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव इंडेक्स नंबर। ये प्राइस है, क्वांटिटी का करना है कि कितना कंजप्शन हुआ, तो वो उसके लिए भी वैसे ही आ जाएंगे, क्यू एन डिवाइड बाय क्यू जीरो इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रिलेटिव इंडेक्स नंबर का। फिर हमने क्या किया था, एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल है क्योंकि अनवेटेड है। तो एग्रीगेटिव में क्या कर रहे थे, हम सम कर रहे थे, सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, फॉर क्वांटिटी हम पी की जगह क्यू लिख देंगे, ठीक है, और फॉर्मूला सेम रहेगा। तो दिस इज द एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो एग्रीगेटिव में क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं, सम ऑफ ऑल दी प्राइसेस। फिर आ जाता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स लेंगे हर कॉमोडिटी का, फिर उसके बाद उसका मीन निकाल लेंगे, जिसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज निकाल देंगे। तो वो हो गया सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये हो गए हमारे सिंपल मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, या अनवेटेड मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब हम करेंगे वेटेड मैथड। तो वेटेड मैथड में हमारे पास क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले जो वेटेड एवरेज है उसमें आप देख रहे होंगे जैसे ए बी सी डी प्राइसेस हैं, तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। एग्रीगेटिव जैसे हमने समझा था, जिसमें हम सबका लेकर चलते हैं और उसका सम करते हैं, तो लाइकवाइज हेयर वी डू। पर यहाँ क्या है, ये वेटेड है, इसमें हम क्वांटिटी भी लेंगे, तो क्वांटिटी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्राइस से। तो जो करंट ईयर का प्राइस है उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके इनटू 100। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे फॉर द ईयर 2008 हमने इंडेक्स नंबर बनाना है, 2000 इज द बेस ईयर, तो न्यूमिरेटर में आ जाएगा प्राइस ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का प्राइस फॉर ए इज 3.8, और वेट कितना है, द क्वांटिटी कितनी है, 100। तो ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो हमने सम करते जाना है, इसका सिग्मा है ना, यहाँ पे सिग्मा है फॉर्मूला में, तो सिग्मा है, तो इन सब का सम होगा जितने भी इंडेक्स नंबर बनाएंगे हम। तो इसमें जो भी प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लाई होगा उनको सम करते जाएंगे। उसी तरह से दूसरे ईयर के, दूसरी कॉमोडिटी के लिए करंट ईयर में प्राइस है 2.1 और रेट है 20, तो 2.1 इंटू 20 हम कर रहे हैं, और उसके अगला है 149 और प्राइस क्वांटिटी है 15, 149.5 इंटू 15, और लास्ट जो कॉमोडिटी है उसका प्राइस है 45 और क्वांटिटी है आपका 50, 45 इंटू 50। तो ये हो गया न्यूमिरेटर, सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी। ठीक है, नीचे आ जाएगा सम ऑफ द प्राइसेस इंटू क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। अब यहाँ में बेस ईयर के प्राइसेस लेंगे, जैसे यहाँ बेस ईयर में 3.2 प्राइस है, 1.7 प्राइस है, 148 प्राइस है, या 34 प्राइस है, तो ये नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाइज उनकी सेम क्वांटिटी के साथ करते जाएंगे। ठीक है, और उनका सम करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 100 से ही हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, बेस ईयर का 100 लेके चलते हैं। तो इस तरह से 115 आ गया। तो सिंपल सॉरी वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008 विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर 2000 इज 115, यानी कि 15% का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, 15% का, इसका ये मतलब हुआ। तो इसमें हमने एग्रीगेटिव लिया है, सिंपल एग्रीगेटिव नहीं है, वेटेड एग्रीगेटिव है, हमने क्वांटिटी भी लेकर चली है, क्वांटिटी कितना कंज्यूम किया वो भी लेकर चला है। तो यही डिफरेंस है आपका सिंपल मेथड में और वेटेड मेथड में। वेटेड में आप क्वांटिटी अलग से नहीं निकालते, क्वांटिटी का भी लेकर चलते हैं, प्राइस और क्वांटिटी दोनों का। तो एग्रीगेटिव मेथड में हमने देख लिया, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी रिलेटिव और एग्रीगेटिव मेथड, दो टाइप के मेथड्स यूज होते हैं। तो जिसमें से आपका जो पहला मेथड, बेसिकली हमने क्या किया, प्राइस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई करते गए और उनका सम कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया, प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू क्वांटिटी जितनी कंज्यूम हुई उसका भी सम इंटू
तो ये फॉर्मूला हो गया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का। पर इसमें क्या होगा अगर मान लो क्वांटिटीज डिफरेंट है, हर साल तो हम सेम क्वांटिटी कंज्यूम नहीं करेंगे कि 2000 में भी हमने 100 किलो यू कंज्यूम किया और 2008 में भी उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्वांटिटी चेंज भी हो सकती है, तो उस केस में कौन सी क्वांटिटी लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मैथड्स हैं। सबसे पहले लास्ट पेयर ने मैथड लिया, उन्होंने मैथड लिया कि क्वांटिटी हमने दोनों में जो आपका बेस ईयर है उसकी क्वांटिटी लेनी है, क्यू जीरो, ठीक है, बेस की क्वांटिटी लेनी है आपने दोनों में। तो जो आपने यहाँ पर जो आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज किया उसमें क्वांटिटी सेम है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो सेम है, तब तो इजी है निकालना। पर अगर क्वांटिटी डिफरेंट हुई, इन दैट केस वी विल हैव टू कौन सी क्वांटिटी लेनी है, वो भी एक क्वेश्चन है। तो लास्ट पेयर ने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि क्वांटिटी है वो बेस ईयर की ले लो, पी एन इंटू क्यू जीरो, पी जीरो इंटू क्यू जीरो इंटू हंड्रेड। पर पाशे ने बोला कि बेस ईयर की नहीं लेनी है, करंट ईयर की लेनी है, तो इन्होंने क्वांटिटी ले ली करंट ईयर की, ठीक है, इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी ले ली। तो ये फॉर्मूला में डिफरेंस है लास्ट ईयर और पाशे में, कि इन्होंने क्वांटिटी बेस ईयर की ली है, इन्होंने क्वांटिटी करंट ईयर की ली है, ठीक है। फिशर्स ने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पाशेज फॉर्मूला इज फिशर्स फॉर्मूला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल फॉर्मूला। तो इन्होंने दोनों क्वान्टिटीज ली, क्योंकि लास्ट ईयर ने बेस ईयर की क्वान्टिटी ली थी और पाशे ने करंट ईयर की क्वान्टिटी ली थी, तो इन्होंने दोनों क्वान्टिटीज ले ली। आप कई लोग क्यू एन को, दैट इज करंट ईयर का, क्यू वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस जो एन है उसको पी वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसिकली फिशर्स का जो फॉर्मूला है, ये इन दोनों का ही मल्टीप्लाई है, लास्ट पेयर और पाशे का। और फिर आते हैं मार्शल और एजवर्थ, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि क्वांटिटी का क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, पी एन पी जीरो वैसे ही रह रहे हैं, करंट ईयर ऊपर आएगा और बेस ईयर नीचे आएगा, बस क्वांटिटी का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ने बेस ईयर लिया, पाशे ने करंट ईयर लिया, फिशर ने दोनों ले लिए, बेसिकली दोनों मेथड्स को मल्टीप्लाई कर लिया अंडर रूट करके, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया उनका, इंटू हंड्रेड तो आएगा ही। फिर आ गया मार्शल और एजवर्थ, उन्होंने भी दोनों ले लिए, पर उन्होंने क्या किया, दोनों का एवरेज ले लिया, Q0 प्लस QN डिवाइड बाय 2 करके। तो इस तरह से है, तो Q0 प्लस QN उन्होंने दोनों का सम कर लिया फॉर्मूला में, डिवाइड बाय 2 कर जाएगा ना, तो इसलिए वो नहीं है, वो इग्नोर कर दिया है। बेसिकली इसका मतलब है कि उन्होंने क्वांटिटीज का एवरेज ले लिया, कि क्वांटिटी फॉर द बेस पीरियड, क्वांटिटी फॉर द करंट ईयर, उनका सम वो है। तो फॉर्मूला में आप देख सकते हो, तो चार फॉर्मूला आपको मिल गए, वेटेड एवरेज एग्रीगेटिव मेथड है जो उसमें से। तो लास्ट ईयर ने बेस ईयर, पाशे ने करंट ईयर, फिशर ने दोनों, मार्शल ने दोनों। फिशर ने क्या किया, अर्थमेटिक मीन लिया, मार्शल ने क्या लिया, सिंपल एवरेज ले ली क्वांटिटीज की, और फिशर ने अर्थमेटिक मीन लिया दोनों फॉर्मूलाज का, लास्ट ईयर और पाशे का। तो इस तरह से आपके पास जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें लास्ट ईयर के मेथड से जो इंडेक्स नंबर निकला है वो निकला है 403 और पाशे के मेथड से निकला है 381। लास्ट ईयर क्या लेता है, बेस ईयर लेता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस, तो प्राइस तो ये बन जाएगा करंट ईयर 1987 इज द बेस ईयर। तो बेस ईयर के प्राइसेस आप देख सकते हो नीचे हैं, 1.97, 2.32, 0.79, 2.25, और करंट ईयर के ऊपर है 10.92, 6.16, 5.13, 8.10। और क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई की है वो की है इन्होंने ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर की क्वांटिटी थी 5146 15293, 15293। तो देख लो आप, क्वांटिटी सेम ली है और वो ली है बेस ईयर की लास्ट पेयर्स के मेथड में, और जब इससे उन्होंने फाइंड आउट किया तो 403 इंडेक्स आ गया इंडेक्स नंबर। और जब इन्होंने पाशे का यूज किया, पाशे में क्या करते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, ऑल थिंग्स रिमेन सेम, द क्वांटिटी इज टेकन ऑफ द करंट ईयर। तो इसमें 601415 लिया है, 2062 लिया है, 17832 लिया है, 18804 लिया है, करंट ईयर की क्वांटिटीज ली है पाशे के मेथड में, और उससे जो इंडेक्स नंबर आया है वो 381 आया है। और जो फिशर्स का मेथड है, जिसको आइडियल इंडेक्स भी बोलते हैं, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, उसमें क्या होता है, लास्ट पेयर और पाशे
दोनों के फॉर्मूलाज का अर्थमैटिक मीन निकाला जाता है, ठीक है। लास्ट पेयर एंड पाशेज, और जो मार्शल एंड एजवर्थ का है उसमें क्वांटिटीज का मीन लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन वाज कि करंट ईयर की क्वांटिटी ले या बेस ईयर की क्वांटिटी ले। तो फिशर्स ने क्या किया, दोनों ले ली, दोनों का अर्थमैटिक मीन ले लिया, और मार्शल एजवर्थ ने क्या किया, क्वांटिटीज का एवरेज ले लिया, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का। ऑल थिंग्स रिमेन सेम, जैसे प्राइस फॉर द करंट ईयर ऊपर ही रहेगा, प्राइस बेस ईयर का नीचे ही रहेगा। लास्ट ईयर में भी ऐसा ही था, पाशे में भी ऐसा ही था, फिशर्स में भी ऐसा ही है, पर उन्होंने फिशर्स ने क्या किया, इन दोनों का ही मल्टीपल ले दिया है। लास्ट ईयर ने बेस ईयर की क्वांटिटीज ली, पाशे ने करंट ईयर की क्वांटिटीज ली, फिशर्स ने दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लिया, और मार्शल एजवर्थ ने दोनों का एवरेज ले लिया, क्वांटिटीज की एवरेज ले ली और उसको लेकर चलता गया। तो अब अगर यहाँ पर हमें फिशर्स का आइडियल इंडेक्स निकालना है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, तो हमें पता है उसमें क्या होता है, लास्ट पेयर और पाशे का एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ये लास्ट पेयर का हो गया, ये पाशे का हो गया, तो लास्ट पेयर का ये वाला होगा, ठीक है, और पाशे का ये वाला होगा, इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इस तरह से करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट ये इंटू ये, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4.03, ठीक है, 4.03, और ये वाला आपका आ जाएगा 3.81। इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हो फिशर्स का आइडियल इंडेक्स 3.81, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो ध्यान रखना है यहाँ पे अंडर रूट भी है ऊपर। इस तरह से आपका फिशर्स का आइडियल इंडेक्स आपका आ जाएगा जो आप निकाल सकते हो। और एजवर्थ और मार्शल्स का है, मार्शल एंड एजवर्थ का है जो इंडेक्स नंबर, उसमें आपने क्या करना है, ऐसे ही करना है, पी एन सिग्मा पी एन डिवाइड बाई पी जीरो, पर पी एन को मल्टीप्लाई जैसे लास्ट पेयर में बेस ईयर से कर रहे थे, पाशे में करंट ईयर से कर रहे थे, तो इसमें क्या करना है, क्वांटिटीज दोनों की ही लेनी है। जैसे यहाँ पे 5416 है, 6015 है, तो ऐसे लेना है Q0 प्लस Q1। तो इस तरह से आप मार्शल और एजवर्थ का भी निकाल सकते हो। 10.92 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5416 प्लस 6015, इस तरह से आगे 6.16 इंटू ये और ये, इसका सम 5.13 इंटू 2127 इंटू, इस तरह से आ जाएगा इसका सम। नीचे कितना, नीचे भी सेम ही रहेगा 1.97, 2.32, 0.79, 2.25 सेम रहेगा, पर इसकी जगह पे जैसे इन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी ले रखी है, आपने दोनों लेनी है, बेस ईयर प्लस करंट ईयर, ठीक है। और इस तरह से आपको मिल जाएगा मार्शल एंड एजवर्थ का ये फॉर्मूला है, मार्शल एंड एजवर्थ का ये फॉर्मूला है फिशर्स का, जो आप निकाल सकते हो बैठ कर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, तो ये भी वेटेड मेथड ही है, और इसमें हम क्वांटिटी लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा पी एन बाई पी जीरो इंटू पी जीरो क्यू जीरो। तो इसमें क्या है, हमने क्वांटिटी बेस ईयर की ही ली है, वैल्यू वेट्स है हमारा प्राइसेस, और इसमें सिग्मा नीचे चला जाएगा, सिग्मा वैल्यू P इंटू क्यू इज द वैल्यू एक्चुअली, तो P0 Q0 का सिग्मा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर P0 Q0 तो आएगा ही, इसके अलावा प्राइस रिलेटिव भी आएगा, ये देख लो प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे पी एन बाई पी जीरो हर उस कॉमोडिटी के लिए, राइस व्हीट पल्सेस मिल्क, इसके लिए हमने प्राइस रिलेटिव्स निकाल लिए। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया P0 Q0 से, विच इज द वैल्यू वेट, ठीक है, P0 Q0 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये इसका सम निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने सम निकाल लिया इसका। तो इसका सम ऊपर आ जाएगा, नीचे इसका सम आ जाएगा P0 Q0 का, एंड इंटू 100। तो ये भी इजी मेथड है, यूज किया जाता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो इसमें हम एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इसका नाम है, और फॉर्मूला हमारे पास ये है, आपके सामने दिख रहा है आपको। तो इसमें भी एक्चुअली एग्रीगेट ही कर रहे हैं, पर रिलेटिव्स भी ले रहे हैं, तो ये सारे रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालने के, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के फॉर्मूलाज हैं। अब देखते हैं कि कौन सा जो
फॉर्मूला है वो जो इंडेक्स नंबर है उसको निकालने, उसकी जो लिमिटेशंस है वो ये है कि एक तो हमारे पास सैंपल ठीक होना चाहिए, अगर सैंपल ठीक नहीं है तो एरर्स होंगे, एरर्स होंगे तो जो भी इंडेक्स नंबर दिया जाएगा वो एक्चुअली गलत होगा और इनकरेक्ट रिजल्ट दिखाएगा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है जो आइटम्स आपने ली है वो ट्रेंड में नहीं होती हैं और वो भी इनएक्यूरेट एनालिसिस दे सकती हैं। तो सैंपल ठीक होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कमोडिटीज की चॉइस ठीक होनी चाहिए और बहुत सारी मेथड्स हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, और हर मेथड से अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो देयर इज कन्फ्यूजन कि कौन सा इंडेक्स नंबर ठीक है और कौन से इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा। तो इसलिए ड्यू टू द वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड आउटकम, जो भी आउटकम्स आएंगी तो वो भी अलग अलग वैल्यूज देंगी और वो कंफ्यूजन देगी। और सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज में भी स्क्यूड एज दे आर बेस्ड ऑन सैंपल्स, तो हर चीज़ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं सैंपल में, या कौन सी वैल्यूज लेनी है, कौन सा सैंपल लेना है, कौन सा आइटम लेनी है या कौन सा मेथड लेना है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, अदरवाइज इंडेक्स नंबर इज़ वेरी मच यूजफुल। फिर भी इस लिमिटेशन को कम करने के लिए एक एडिक्वेसी टेस्ट होता है कि कौन सा फॉर्मूला एडिक्वेट रहेगा। तो ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट होता है जिसमें अगर हम सारी के सारी कमोडिटीज की अरेंजमेंट, अगर हम ऑर्डर उसका चेंज कर लें, वीट पहले ले लें, पल्सिस बाद में ले लें, अगर ऑर्डर चेंज करने से भी इंडेक्स नंबर सेम रहता है देन वो फॉर्मूला, वो इंडेक्स नंबर का जो इंडेक्स नंबर का मेथड है वो एडिक्वेट है, ये माना जाता है। तो ये तो सारे ही मेथड सेटिस्फाई करते हैं टेस्ट ऑफ ऑर्डर रिवर्सल। यूनिट टेस्ट भी ऑल ही एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट द सिंपल एग्रीगेटिव वन, जिसमें हम सिग्मा पी एन डिवाइड बाय सिग्मा पी जीरो लेते थे, सिंपल एग्रीगेटिव मैथड। उसके अलावा सारे मैथड्स इस टेस्ट को भी फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। पर जो बेस्ट जो मेथड है, जिसको बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, वो है फिशर्स इंडेक्स नंबर का मेथड। वो क्या था? अर्थमेटिक मीन ऑफ पाशे एंड लास्पेयर, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला है, उसको आइडियल माना जाता है। आइडियल जो फॉर्मूला है, आइडियल जो मेथड है, क्योंकि वो क्या करता है, टाइम रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल का मतलब है कि मान लो आपने बेस पीरियड चेंज कर लिया, ठीक है, जैसे P01 या P10 है, उसका मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। तो ये फिशर्स इंडेक्स ही फुलफिल करता है और कोई इंडेक्स फुलफिल नहीं करता है। यहाँ आप फॉर्मूला में देख लो, अगर हम लास्ट पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर चेंज करके, बेस ईयर चेंज करने का मतलब है कि अब यहाँ बेस ईयर लेते हैं ना हम नीचे, तो बेस ईयर ऊपर आ जाएगा, ऑफकोर्स बेस ईयर ऊपर आ जाएगा तो P0 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी पी एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पी एन तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, पर क्वांटिटी इसमें क्या लेते थे, बेस ईयर की क्वांटिटी लेते थे। तो यहाँ बेस ईयर चेंज करेंगे तो बेस ईयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी क्या आ जाएगी बेस ईयर की, एन आ जाएगी। यहाँ आई है, यहाँ 0 है, यहाँ एन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू द टाइम रिवर्सल टेस्ट, इफ वी चेंज द बेस पीरियड द रिजल्ट शुड बी 1 सेम, या रिजल्ट शुड द मल्टीप्लाई ऑफ द फॉर्मूला, या जो भी हमारा इंडेक्स नंबर आएगा वो 1 होना चाहिए। पर यहाँ आप देख रहे हो, अगर हमने ये मल्टीप्लाई किया तो P0 तो ठीक है, ये P0 ऊपर चला जाएगा, PN नीचे चला जाएगा, पर ये नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे हमने 0 लिया है और यहाँ पे हमने 1 लिया है, या यहाँ हमने बेस ईयर लिया है, या हमने बेस ईयर जो करंट ईयर है वो लिया है। तो पाशे भी 1 रिजल्ट नहीं देता है और लास्ट पेयर भी 1 नहीं देता है। ये लास्ट पेयर है, ये पाशे है, तो दोनों ही फार्मूलाज 1 रिजल्ट नहीं देते हैं। 1 रिजल्ट कौन देता है? आपका फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसलिए इसको हमने आइडियल इंडेक्स नंबर बोला है, क्योंकि ये सेम रिजल्ट्स देता है। उसके अलावा फैक्टर रिवर्सल है, ये भी फुलफिल करता है फिशर्स इंडेक्स नंबर, इसलिए इसको इसको हम बोलते हैं कि ये आइडियल है। फैक्टर का है कि प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाइड शुड गिव 2 रेशो,
ट्रू रेशो, जैसे आपने प्राइस के लिए इंडेक्स नंबर निकाला, फिर आपने क्वांटिटी के लिए अलग से इंडेक्स नंबर निकाला, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वो वैल्यू का इंडेक्स नंबर देना चाहिए। वैल्यू का इंडेक्स हो गया जो भी आपकी वैल्यूज है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी का मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आएगा, तो वो भी, वो फार्मूला भी कौन फुलफिल करता है? फिशर्स इंडेक्स, जो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला है। उसी तरह से सर्कुलर टेस्ट है, वो होता है चेंजिंग द बेस ईयर फॉर मोर देन टू ईयर्स। तो ये तो 2 ईयर्स का लेकर चलता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट की तरह ही सर्कुलर टेस्ट है, पर टाइम रिवर्सल में हम 2 ही ले रहे हैं, 2 ही उसका ले रहे हैं ईयर्स का, पर इसमें हम 2 से ज़्यादा का लेंगे। तो ये रिकमेंड किया था सीएम वॉल्श ने, सर्कुलर टेस्ट, दैट अ गुड इंडेक्स नंबर टेस्ट शुड फुलफिल द सर्कुलर टेस्ट एज वेल, दैट इफ वी आर चेंजिंग द बेस ईयर फॉर मोर देन 2 ईयर्स देन द मल्टीप्लाइज ऑफ दिस, इनके मल्टीपल्स क्या देंगे? 1 देंगे, मल्टीपल शुड गिव 1। तो ये वाला भी एक टेस्ट है। तो दीज आर टेस्ट, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, तो इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, और जिसको हम आइडियल मानते हैं कि आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो उसको फिशर्स को मानते हैं बहुत सारे लोग, कि फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट फिट्स टाइम रिवर्सल एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये है इंडेक्स नंबर का पूरा चैप्टर।